तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है एससी वर्मा का। ए मॉस्किटो सीटिंग ऑन ए एलपी रिकॉर्डर डिस्क, इसको मैं ऐसे बना दिया हूँ, आप समझ रहे हो, ऑन ए टर्नेबल टेबल, जो रिवोल्यूशन है इतना रिवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है ना। तो ये जो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है वो RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट है वो है 33 और 1/3, मतलब यह आ जाएगा 100/3 RPM पर मिनट है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिवोल्यूशन पर सेकेंड होता है, तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड है तो 100 और ये आ जाएगा 3 और ये 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 100/3 मल्टीप्लाइड बाई 60। ये कुछ नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिकली फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, सबसे पहले एक एक डेटा लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ द मस्कीटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेबल इज 10 सेंटीमीटर। ये मस्कीटो है, इसका डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है आर, तो आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, मतलब 0.1 मीटर है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। सो दैट द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिकॉर्डर एंड मॉस्किटो इज ग्रेटर देन पाई स्क्वायर अपॉन 18, इस वैल्यू से अधिक आएगी। मॉस्किटो जो बैठा है और ये जो डिस्क है, टेबल है, इसके बीच जो म्यू है, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन मतलब पाई स्क्वायर। म्यू की जो वैल्यू है यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि म्यू की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 81 से अधिक आएगी, ठीक है ना, इससे अधिक ही आएगी। मतलब मिनिमम जो म्यू है, हाँ, जो पॉसिबल मिनिमम म्यू है, वो ये कह रहे हैं कि मिनिमम म्यू इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 81 होगी या इससे अधिक होगा म्यू। ये वाला चीज़ हमें प्रूव करना है, ये जो गिवन डेटा है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और जी की वैल्यू आपको 10 लेना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर ये मॉस्किटो यहाँ पर है, ये मॉस्किटो अगर यहाँ पर है, तो इस मॉस्किटो पर ये जब ओमेगा से घूम रहा है, फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, तो इस मॉस्किटो पर पैरों पर जो टेबल है वो ऐसे सर्कल में घूमेगा, ऐसे एक सर्कल में घूमेगा, इस टाइप से हॉरिजेंटल सर्कल में। तो यहाँ से ये जो इसके पैरों पर फ्रिक्शन है वो इधर आएगा और ये फील करेगा सूडो फोर्स इधर, ठीक है ना। सूडो से भी करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्राउंड से भी सेंट्रीपिटल भी लगा सकते हो, तो सूडो से भी कर लो। तो सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर फील करेगा और फ्रिक्शन सेंटर की तरह फील करेगा। तो अगर इसको वहाँ पे रेस्ट में रहना है, हाँ, फॉर रिमेन्स एट रेस्ट मॉस्किटो, हाँ, रिमेन्स रिमेन्स एट रेस्ट, अगर वहाँ पे मॉस्किटो को बड़े आराम से मज़े से रहना है, तो इसके पैरों के बीच जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड होगा तभी वहाँ पे रेस्ट होगा। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू शुड बी ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं इसके फ्रेम से देखता हूँ, इसके यहाँ से फ्रेम से देखता हूँ, तो इस पे नॉर्मल तो वर्टिकली, ये नॉर्मल तो ऊपर आएगा और एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी। मॉस्किटो पे कुल मिला के कितने भाई, ये मॉस्किटो है तो इस मॉस्किटो पर कुल मिला के 4 फोर्स लगेंगे, ठीक है ना, इसके फ्रेम से। भाई अगर डिस्क के फ्रेम से देखोगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर लगेगा, फ्रिक्शन इसके पैरों के बीच इधर लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा और एम जी इसकी नीचे लगेगी, ठीक है ना। ये वर्टिकल में तो इसको मोशन करना नहीं है, ठीक है, इसको मज़े से वहीं रहना है मेरे भाई। तो नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वो आ जाएगी एम जी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से म्यू नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से म्यू शुड बी ग्रेटर देन एट इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो ये है
मियू की कहानी। अब सबकी वैल्यू डालोगे तो देखो, यहाँ से वैल्यू करोगे, पुट वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज अगर रखोगे तो यहाँ से म्यू शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है 0.1, जी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ओमेगा होता है और 2 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से म्यू शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू 0.1 और ये 10, और यहाँ से 2 और पाई में रहने देते हैं, फ्रीक्वेंसी हम पहले ही निकाले थे, बोलो कितना था 100, और ये 103 मल्टीप्लाइड बाई 60। ऊपर देखो एक बार फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो 103/60 ये वाली। तो फाइनली यहाँ से म्यू की जो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 81, दिस इज द वे। तो हमें मिनिमम म्यू यहाँ पर कितना होना चाहिए रेस्ट के लिए, वो होता है पाई स्क्वायर अपॉन 81। तो यहाँ पे इतना मिनिमम म्यू आपको रहना ही पड़ेगा फॉर मॉस्किटो रिमेन्स एट रेस्ट। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल के साथ बने रहो प्यारे बच्चों।